जीतना मेरे सभी युवाओं की है, बुजुर्गों की है, माताओं की है, बहनों की है। ये लड़ाई ना अब आर पार की लड़ाई है मेरे भाइयों। मेरा साथ देना, मेरा साथ मत छोड़ना मेरे भाइयों। मुझे आपके साथ की आशीर्वाद की जरूरत है। और युवा भाइयों, आपने मुझे कंधे पे उठाया है। यो कंधे पे उठाना मतलब एक जीत का निशानी है। आपने मुझे ऐसे ही अगर आपने मौका दिया तो 7 तारीख को भी आप सबको ऐसे ही एक जुलूस निकालने का मौका मिलेगा। और मैं हर एक युवा से इस मीटिंग के माध्यम से हर युवा के पास एक बात पहुंचाना चाहता हूं। हमें लूटा गया, हमें ठगा गया, हमारी वोट का इस्तेमाल किया गया। आज तक कभी युवा भाइयों को किसी के कंधे पे हाथ रखा, किसी युवा का हाथ पकड़ा, किसी युवा की कोई समस्या सुनी, उससे कहा कि तेरे घर में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता, मेरे भाई मैं तेरी प्रॉब्लम दूर करूंगा। तुम्हारे घर में किसी की पेंशन बनी के बारे में पूछा, किसी का राशन कार्ड बने उसके बारे में पूछा, कभी नहीं पूछा हमारे घर में किसी की बहन की शादी है उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, टैंकर लगा सकता हूँ कि झाड़ू लगवा सकता हूँ कि सफाई कर्मचारी भेज सकता हूँ, कभी किसी से पूछा ही हुआ? मैं एक बार पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, सबके घर में माँ बहन बहन है, किसी से पूछा आज तक? कभी किसी से पूछा कि भाई तुम खेलते कहाँ हो, तुम्हारा ग्राउंड कहाँ है, तुम खेलने के क्या पसंद हो? कौन सा युवा फुटबॉल खेलता है, कौन सा युवा कबड्डी खेलता है, कौन सा युवा क्रिकेट खेलता है, कौन सा युवा वॉलीबॉल खेलता है, कौन सा युवा बैडमिंटन खेलता है, कौन सा युवा जिम करता है? कभी किसी के बारे में कुछ पूछा? कभी कोई कंपटीशन करवाया? कभी 5 साल 10 साल शासन में कभी किसी युवा के बारे में एक भी बात करी हो तो बता दो मेरे भाइयों। और हमने हर बार युवा ने बढ़ चढ़ कर दोनों का साथ दिया है। तो मैं तो आपसे दिल से यही कह सकता हूँ मेरे भाइयों, ये मैसेज पूरे वार्ड में जाना चाहिए। अगर केवल युवाओं की सरकार बनेगी, इतिहास लिखेंगे। और जो काम युवा को चाहिए, कभी पूछा कोई छोटी मोटी थाने की प्रॉब्लम हो जाती है, पुलिस की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई मोटरसाइकिल पकड़ लेते हैं, कोई गाड़ी पकड़ लेते हैं, कभी कोई हेल्प करी? भाई आपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं चुन रहे हो, आप एक अपना भाई चुन रहे हो जो इन सब काम करने के लिए आपके बीच में एक तुम्हारे बीच में खड़ा हो जाए। मैं आपसे वादा करता हूँ, जो भी हुआ मेरे भाई, मैं दिल की गहराई से बोल रहा हूँ, जो भी हुआ भाई मुझ पर भरोसा कर रहा है, मैं उसके 5 साल मौका मांग रहा हूँ भाई। 5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन कोई युवा मेरे से ये शिकायत कर देगा कि सोनू भाई आपने मेरी यह बात नहीं सुनी। आपके घर की सारी प्रॉब्लम सोनू तोमर की प्रॉब्लम है। ये लड़ाई सोनू तोमर अकेला नहीं लड़ रहा, मेरे भाई सारा युवा लड़ रहा है। सारे युवा भाइयों से एक ही निवेदन है, हम सबको कौन बनना है? सोनू तोमर। सोनू तोमर दिल की गहराई से एक मौका मांग रहा हूँ और फिर इतिहास लिखेंगे मेरे भाई, इतिहास लिखेंगे। वार्ड नंबर 27 में 4 तारीख को आपकी जितने भी ज्यादा सपोर्ट कर सकते हो, अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, सबसे बस एक ही बात बोलना, आप केवल आ रहे हैं युवा भाई आ रहे हैं जो क्षेत्र की समस्या के बारे में जानेंगे। मैं बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, मेरे बुजुर्गों, मैं आपका मान सम्मान इतना करूंगा कि आप ये कहोगे हमने पार्टी से उठकर, मैं फिर कह रहा हूँ मुझे हर पार्टी की समर्थन मिल रहा है, हर पार्टी का वोट मिल रहा है, मुझे बुजुर्गों का समर्थन मिल रहा है, मुझे अपनी बहनों का मिल रहा है, अपनी माताओं का मिल रहा है, मैं उनका तहे से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप सबकी सेवा अपने तन से मन से, जो मेरे पे सरकार की सुविधा होगी, जो मेरे से अपनी निजी सुविधा होगी, सारी सुविधा आपकी क्षेत्र की सेवा के लिए लगाऊंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाइयों ने, सभी ने मेरा ये प्रोग्राम जो बनाया है, जिसने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं उनका ताई दिल से धन्यवाद लेता हूँ। जहाँ खड़े हैं आपको कहने की जरूरत नहीं है, मोनू भाई छावड़ा बारू भाई वो भाई वो बना लो भाई वो क्या कर रहे सैकड़ों युवा खड़े हैं, मैं सभी का ताई दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं ताई दिल से सभी का धन्यवाद करता हूँ, किसी का नाम ना ले पाऊँ क्योंकि अगर मैं नाम लेने में लगा रहा था बहुत देर हो जाएगी। सारे भाई मेरे हैं, जहाँ जहाँ मेरी हाथ जा रहा है सारे भाई मेरे हैं, सभी का नाम से मैं आपको एक बार दिल से नमन करता हूँ। मेरी कोई औकात नहीं थी भाइयों, पर आपने मुझे ऐसा बना दिया कि मैदान में आ गए हैं हम। आज मैदान में आ गए हैं तो हम जीतेंगे भी, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, उसकी जीत एक तरफा चलती है। और मैं ताए दिल से कहता हूँ, मेरा युवा एकता जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत।
हमारे वार्ड नंबर 27 में पिछले 15 साल से इतना पानी है, आप यूपी हरियाणा की तरफ कभी भी चले जाओ, इतनी सफाई है वहाँ। हमारे नाम की दिल्ली है, ये दिल्ली नाम की दिल्ली है, बैकवर्ड दिल्ली से दिल्ली भी नहीं कह सकते आप। लेकिन इस बार हमने सोचा है कि वार्ड नंबर 27 में हमारे बीच का युवा भाई सोनू तोमर, इसको हम वोट देंगे और इसको प्रमोट करके अपने वार्ड की साफ सफाई करवाएंगे। उम्मीद है इस बार सोनू तोमर भाई जीतेंगे और हमारे वार्ड को साफ सुथरा करवाएंगे। इस बार हम अपने भाई सोनू तोमर को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो भी नेता है उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। यहाँ पे पानी की समस्या, नाली की समस्या और इतनी गंदगी है कि यहाँ पे आप रहते दिल्ली में पर ये कह नहीं सकते कि दिल्ली में रहते, ऐसा लगता है कि हम कई पिछले इलाके में पड़े हैं। तो इस बार इसमें सारा युवा सोनू तोमर भाई के साथ जुड़ा हुआ है और इस बार सोनू तोमर भाई जीतेंगे। धन्यवाद। सोनू तोमर भी सारे काम करवाते हैं, क्योंकि वो बिना निगम बापस के भी बहुत सारे काम करवाते हैं, लोगों की समस्याओं में जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस बार सोनू तोमर जीत के सारे काम करवाएंगे। हमने कई नेताओं को मौका दिया लेकिन हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। हमने एक नेता को दो बार भी मौका दिया लेकिन वो वापस होने भी ऐसा फंसा लेते थे कि हमें उनको दोबारा मौका देना पड़ा, लेकिन हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद हमने नेता को मौका दिया, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। इस बार हमने अपने नए युवा नेता सोनू तोमर जी को चुना है, उन्होंने नेता बनने से पहले हमारे यहाँ बहुत कुछ काम कराया है, इसलिए हमने पूरा अपना युवा सपोर्ट, पूरा युवा का सपोर्ट सोनू तोमर को दिया है पूरा। यहाँ की कॉलोनी के काम, यहाँ की सुविधाएं, यहाँ का जो अत्याचार है वो बहुत कम है उनके होते हुए, इसलिए हमने सोनू तोमर जी को चुना है।